देखो इसमें ना एक तो इसके पहले हम लोगों ने एक्सटर्नल हजार्ड जो है इवेल्युएशन और कंट्रोल देख रखा, मतलब डिस्कस किया हुआ। उस समय पे भी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर किया था कि यदि रेडियो आइसोटोप या रेडिएशन सोर्स जो है वो बॉडी के अंदर है तो वो इंटरनल हजार्ड क्रिएट करेगा, और बॉडी के बाहर है तो उससे एक्सटर्नल हजार्ड क्रिएट होगा। और रेडिएशन हजार्ड का इवेल्युएशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ये पता है कि रेडिएशन बॉडी को डैमेज करेगा, मतलब कुछ ना कुछ रिस्क एसोसिएटेड है, और हम लोगों को उसके साथ काम भी करना है, राइट। और काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उससे बेनिफिट मिल रहा है। एज ए स्टाफ वी आर गेटिंग सैलरी, एज ए पेशेंट दे आर गेटिंग डायग्नोसिस। तो बट ड्यूरिंग, जैसे मान लो कि हमें सैलरी मिल रही है एज ए ऑक्यूपेशनल वर्कर या स्टाफ वर्किंग, तो इस प्रोफेशन के साथ, जैसे हर प्रोफेशन के साथ कुछ न कुछ रिस्क एसोसिएटेड है, उसी तरह से इस प्रोफेशन के साथ भी कुछ न कुछ रिस्क एसोसिएटेड है। जैसे यदि बॉडी के बाहर कोई रेडिएशन है तो वहाँ से हमें हमारी बॉडी को एक्सटर्नली एक्सपोज करेगा, या रेडिएशन जो है हमारी बॉडी पर फॉल होगा और जो भी रेडिएशन एब्जॉर्ब होएगा बॉडी में उससे हमें हजार्ड होएगा, या उसका रिस्क जो 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 एनर्जी जो एब्जॉर्ब होएगी उससे बॉडी को डैमेज होएगा, तो हमें बाहर जिस रेडिएशन फील्ड के साथ काम करना है या जहाँ पर भी जाकर के काम करना है वो वहाँ पे कितना रिस्क है, राइट, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होने की संभावना है वो इस्टीमेट करना ज़रूरी है, ताकि यदि हमें ये पता चल जाए कि पर आवर या पर सेकेंड इतना एक्सपोजर जो है वो हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती है, तो फिर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कितना देर काम करना है, या काम करना कितना जल्दी हमें काम निपटा के आना चाहिए, या उसके साथ कितना डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, या कौन सा ऐसा तरीका डेवलप करें काम करने का ताकि रेडिएशन एक्सपोजर जो बॉडी को एब्जॉर्ब हो वो एज मिनिमम एज पॉसिबल हो, दैट इज, या ऐसे बोलते हैं हम लोग एलआरआई कि ऑल एज लो एज रिजनेबली अचीवेबल। इसलिए हमें इस्टीमेट करना आना चाहिए कि एक्सटर्नली यदि होगा सोर्स तो कितना डोज लगेगा, और उससे डील करने के लिए क्या क्या तरीके हैं ताकि डोज एज लो एज रिजनेबली अचीवेबल कॉन्सेप्ट में आ जाए। हमारा सिर्फ ये इंटरेस्ट नहीं होता है कि हमारा जो एक मैक्सिमम परमिसिबल डोज जो डिसाइडेड है कि इतना डोज लिमिट है, इससे वहाँ पे हमें रीच करने की ज़रूरत नहीं है, और टारगेट इज़ नॉट दैट टू जस्ट बिलो दैट। हमारा टारगेट ये है कि उससे भी जितना कम से कम मिले वो वहाँ तक आना है, इसलिए नॉलेज की ज़रूरत है। उसी तरह से एक्सटर्नल के साथ साथ अभी इंटरनल की बात है, जब बॉडी के जो रेडिएशन बाहर है जितना जो डैमेज करेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर भी आएगा तो उसी वे में डैमेज करेगा, तो वो भी जानना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा पार्टिकल यदि बॉडी के बाहर है तो उससे हमें एक्सटर्नल हजार्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि बॉडी के अंदर आएगा तो इंटरनल ऑर्गेन में जब वो एब्जॉर्ब होएगा तो उस समय पे वो बॉडी से बाहर नहीं जा सकता, तो यहाँ पे सीवियर डैमेज क्रिएट कर सकता है। तो यदि मान लो कि अल्फा पार्टिकल किसी भी कारण से इनहेल हो गया या इंजेस्ट हो गया तो कितना डोज लगेगा वो इस्टीमेट करने हमें आना चाहिए। उसी तरह से बीटा पार्टिकल का भी है कि बीटा पार्टिकल भी यदि बॉडी के अंदर आएगा तो उस समय पे भी जो रेडिएशन डोज ज़्यादा क्रिएट करेगा कंपेयर टू बाहर से।
से होगा तो, क्योंकि वो स्क्रीन के डेड लेयर तक तो आ जाएगा लेकिन उसके बाद वो नहीं आ पाता है, लेकिन इंटरनल जिस ऑर्गन में होगा वो वहाँ पे डैमेज क्रिएट करेगा। उसी तरह से थर्ड जो है आपका गामा रेडिएशन यदि है, तो गामा रेडिएशन बॉडी के बाहर है तो एक्सटर्नल हजार्ड सबसे ज़्यादा क्रिएट करता है, लेकिन जैसे वो बॉडी के अंदर जाएगा तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होएगा, तो इसलिए वो हमें उतना हजार्डस नहीं है। करेक्ट। सो अभी हम लोग यही देखेंगे, हमारा मेन पर्पस यही है कि इंटरनली यदि कोई भी रेडियो आइसोटोप जा रहा है तो उसका कैसे रिस्क एस्टिमेट करते हैं या हजार्ड कैसे इवेल्युएट करते हैं और उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है या उसको उस इंटरनल हजार्ड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके। सो से इट सेज अनकंटेंड रेडियो एक्टिविटी। अनकंटेंड रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है? देखो एक ना एक कंटेंड रेडियो एक्टिविटी है, उसमें शायद पता नहीं हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया था कि नहीं किया था एक्सटर्नल हजार्ड में भी, कि जैसे फ्यूम हुड की बात करी थी नहीं करा था, तो कंटेंट अच्छे से इसका मतलब हमने एक्सटर्नल हजार्ड में भी नहीं डिस्कस किया। बट ठीक है, देखो एक्सटर्नल हजार्ड में भी देखोगे तो वायल वायल है जिसके अंदर एक्टिविटी है, वो वायल फ्यूम हुड के अंदर रखा हुआ है, समझ गए? तो एक कंटेनमेंट क्या हुआ कि पहला तो वायल के अंदर है, फ्यूम हुड के अंदर है, लेकिन वो प्लेट में रखा हुआ है, स्टील के प्लेट में रखा हुआ है। एक कंटेनमेंट स्टील के प्लेट में आया, फिर उसके बाद वो फ्यूम हुड के अंदर है और फ्यूम हुड लेड ब्रिक्स। तो देखो यदि मान लो किसी भी कारण से वो स्टील हुआ भी टूटा भी, तो पहले तो उस स्टील के प्लेट पे आएगा और कुछ भी होगा तो फ्यूम हुड के अंदर है, यदि कुछ भी वेपर भी होगा तो उधर से चला जाएगा। अरे और फिर एक थर्ड लेवल का कंटेनमेंट आ गया ना, एक तो पहले वायल, फिर प्लेट और फिर लेड ब्रिक्स, तो बना ना। राइट। तो ये कंटेनमेंट की बात है। तो अनकंटेंड मतलब जिसको हमने कंटेन नहीं किया, एक जगह फिक्स नहीं किया, वैसी रेडियो एक्टिविटी। ओके। या खुला हुआ सोर्स, जैसे मान लो कि अनसील्ड सोर्स भी इसको तुम बोल सकते हो। अनसील्ड जैसे एक बार आपने पेशेंट को इंजेक्ट कर दिया तो पेशेंट हैज बिकम अनसील्ड सोर्स ऑफ रेडिएशन। ओके ठीक है। When a radioactivity is enclosed inside some form of sealed container, it may give rise to external radiation hazard to personnel working in its vicinity. ठीक है? Conversely, when radioactive material is not contained in any way, it also constitutes a potential internal hazard. Uncontained radioactive material is generally referred to as a contamination. क्या बोला? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला कि यदि मान लो कि आपने उसको कंटेन नहीं किया है, जैसे मान लो कि मैंने एक्टिविटी ली और यहाँ पे एकदम से स्पिल कर दिया, थोड़ा सा इधर गिरा दिया एक बूंदी से, अभी कंटेन नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक तो कंटामिनेशन बोलेंगे और दूसरा इससे दो तरह के हजार्ड हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी होएगा और इससे इंटरनल भी होएगा। एक्सटर्नल क्यों होएगा? एक्सटर्नल तो जैसे गामा है तो हाँ, होगा। ओके राइट। और इंटरनल इसलिए हो सकता है कि नहीं पता चला, किसी ने टच कर दिया तो इनहेलेशन भी हो सकता है और इंजेशन भी हो सकता है, क्योंकि वाटर को और इसको डिफ्रेंशिएट करना ऐसे भी मुश्किल है, हमें पता नहीं चलेगा जब तक कि उसका प्रॉपर हमने ध्यान नहीं रखा, और फिर भी चांस है इंटरनल कंटामिनेशन होने के। ओके। सो इसको बोलते हैं जनरली ऑन कंटेंड रेडियोएक्टिव मटेरियल इज जनरली रेफर्ड टू एज ए कंटामिनेशन। क्वाइट ए स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल व्हिच रिप्रेजेंट्स एन इनसिग्निफिकेंट एक्सटर्नल हजार्ड कैन गिव राइज टू एप्रिसिएबल डोज रेट इफ दे कम इन कॉन्टेक्ट विद आवर गेटिंग साइड ऑफ बॉडी। व्हाट इज इट? बोल रहे हैं कि जिसको आप जो इनसिग्निफिकेंट एक्सटर्नल हजार्ड जो पोज कर रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अल्फा सोर्स, राइट, तो कैन गिव राइज टू एप्रिशिएबल डोज रेट इफ दे कम इन कॉन्टेक्ट विद आवर गेट इनसाइड द बॉडी। राइट।
Once the radioactive substance is taken into the body, it will continue to irradiate the body until either the radioactive has decayed or body has excreted the substance. ये तब तक body को irradiate करता रहेगा जब तक कि वो खुद decay ना हो जाए या body उसको खुद ही बाहर excrete ना कर दे पूरा का पूरा. The rate of decay of radioactivity depends on its half-life, which can vary from a small fraction of a second to many thousands of years. Okay, so एक क्या बोल रहे हैं कि rate of decay जो है वो किस चीज पे depend करता है, उसके half-life पे depend करेगा, और half-life जो है वो second से लेकर के many years तक हो सकता है. The rate of excretion of substance from the body depends mainly on its chemical characteristics, and it may happen in a period of few days, or it may take much longer, perhaps many years. So body से जो excretion भी जो है वो depend करता है कि उसका chemical characteristics पे depend करता है, और ऐसा हो सकता है कि वो कुछ दिनों में निकल जाए body से, या it will take a long time to not survive, to excrete from the body. The body से बाहर लंबे time तक body में रह सकती है. Yes. Okay. Thus, when a radioactive substance enters the body, it may irradiate it for a few days or for a much longer period that may extend to many years in the case of some nucleides. Now, there are ways in which radioactive material can enter the body. कौन कौन से तरीके हैं? These are inhalation of airborne contaminations. यदि मान लो कि एयर के अंदर एक्टिविटी फैल गई, जैसे मान लो कि आयोडीन है, चाहे ये फ्लोरीन जो छोड़ते हैं ऊपर, उधर से इनहेल हो सकता है, राइट? एयरबॉर्न कंटामिनेशन मतलब एयर में एक्टिविटी कैसे भी चली जाए तो वहां से इंटर हो सकता है. अरे दूसरा इंजेशन दैट इज एंट्री थ्रू द माउथ एंड एंट्री बाय स्किन बाय एब्जॉर्प्शन थ्रू ए कंटामिनेटेड वुंड और बाय इंजेक्शन सच एज ड्यूरिंग न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स. जैसे हम इंजेक्शन देते हैं वैसे आएगा, या वुंड है तो या स्किन में एब्जॉर्ब हो सकता है, आ सकता है. तो कौन कौन से रूट बने? इनहेलेशन ऑफ एयरबॉर्न, इंजेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन. हाँ, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन इंजेक्शन एब्जॉर्प्शन थ्रू कंटामिनेटेड वुंड और इंजेक्शन. इट शुड बी नोटेड दैट कंटामिनेशन कैन ऑल्सो रिजल्ट इन डायरेक्ट इरेडिएशन ऑफ द स्किन. मतलब कंटामिनेशन जो होगा उससे स्किन पे भी उसका, हाँ, वो उससे जो यदि स्किन पे पड़ा तो डायरेक्टली स्किन को वो इरेडिएट करेगा. ओके, जैसे स्पिल हो जाता है इंजेक्शन, और जब तक रहेगा तब तक स्किन को इरेडिएट करता रहेगा. व्हेन एयरबॉर्न कंटामिनेशन इज इनहेल्ड, ए प्रोपोर्शन ऑफ रेडियोएक्टिविटी इज डिपॉजिटेड इन द लंग्स एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड द रिमाइंडर इज एक्सहेल्ड, राइट? Some of the deposited material is eliminated from the lungs quite quickly and is swallowed. The material remaining in the lungs may then be absorbed at a greater or lesser rate into the bloodstream, be transported to other body organs and eventually be excreted. क्या बोल रहे? Airborne contamination जो inhale हो रहा है उसका कुछ proportion of radioactivity वो lungs में जाकर के deposit होएगा, right? और जो बाकी जो है वो वैसे भी एक्सहेल होकर के बाहर आ जाएगा. जो लंग्स में जाएगा डिपॉजिट हुआ, इट इज इल्यूमिनेटेड क्विकली, इल्यूमिनेटेड फ्रॉम द लंग्स क्विकली एंड इज सॉल्वड. फिर हम अंदर उसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट? एंड द मटेरियल रिमेनिंग इन द लंग भी जो है इट मे बी एब्जॉर्ब एट ए ग्रेटर और लेसर रेट इन टू द ब्लड स्ट्रीम. एल्वियोलाई से वो इंटरचेंज होगा और फिर ब्लड स्ट्रीम से होकर के पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ट्रांसमिटेड टू द अदर बॉडी ऑर्गन एंड इवेंचुअली भी एक्सक्रीटेड लास्ट में फिर बॉडी से बाहर चला जाएगा. ओके,
The fraction initially deposited and its rate of clearance depends on many factors. Right? कितना absorb होएगा, कितना deposit होएगा fractions, किस rate से clear होएगा body से, it depends on many factors such as physical and chemical form of the material and metabolism of the person involved. मतलब body का उस आदमी का metabolism क्या है? Like effective half-life और biological की जो कल हम लोग बात कर रहे थे. जो ये फैटीन जब देते हैं तो किसी में से तो जल्दी निकल जाएगा, किसी को लंबा टाइम लगेगा. ओके, जनरली मटेरियल्स इन इनसोलेबल फॉर्म कैन रिमेन इन द लंग्स एंड कंटिन्यू टू इरेडिएट फॉर मेनी इयर्स डिपेंडिंग ऑन द हाफ लाइफ, व्हाइल मोर सोल्युबल फॉर्म्स ऑफ मटेरियल विल बी क्लियर्ड फ्रॉम द लंग्स इनटू द अदर बॉडी ऑर्गन्स व्हिच विल इन टर्न बी सब्जेक्ट टू इरेडिएशन अंटिल द मटेरियल डिकेस और एक्सक्रीटेड. क्या बोल रहे हैं, जो मटेरियल इनसोल्युबल फॉर्म में है, मतलब वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है लेकिन वो किसी के साथ जैसे वाटर के साथ घुला हुआ नहीं है, राइट, इनसोल्युबल फॉर्म कैन रिमेन इन द लंग, वो लंग्स में जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा. ओके, एंड कंटिन्यू टू इरेडिएट फॉर मेनी इयर्स. वो क्या होगा, क्योंकि वो इनसोल्युबल है तो वो सीधे वहीं पे डिपोजिट, लंग्स को ही सबसे ज्यादा वो डैमेज करेगा. राइट, फिजिकल हाफ लाइफ पे डिपेंड करता है कि कितना देर तक रहेगा. व्हाइल जो सोल्युबल फॉर्म्स में है वो इट विल बी क्लियर्ड फ्रॉम द लंग्स और वो अदर बॉडी ऑर्गन्स में जाकर के डिपोजिट होएगा और वहां पे व्हिच विल इन टर्न बी सब्जेक्ट टू इरेडिएशन अंटिल द मटेरियल डिकेज और एक्सक्रीटेड. मतलब तब तक वो या तो नहीं हो जाएगा कंप्लीटली या फिर एक्सक्रीटेड. अब तक वो ये करता है. Similarly, when contamination is ingested, the amount of it passing through the wall of digestive tract into body fluid and into body organ depends on the nature of the contamination and on metabolite and physiological factor. यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो contamination यदि मान लो कि हमने ingest कर लिया तो amount जो होगा वो amount of it, मतलब उसका कुछ पार्ट जो है वो वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक वो वहां पे जाकर के डिपोजिट होएगा और वहां से फिर बॉडी फ्लूइड में एंटर करेगा. राइट, जो इंजेस्ट हुआ वो डाइजेस्टिव ट्रैक के वॉल पे जाके डिपोजिट होएगा और वहां से फिर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, बॉडी फ्लूइड्स में जाएगा एंड अदर ऑर्गन. और ये भी कितना जाएगा और क्या होएगा, it will depends on the nature of the contaminations. मतलब वो किस तरह का contaminations है, मतलब जैसे skin पे ऐसे ऐसे नहीं, nature of the contaminations मतलब होगा कि radioactivity alpha है, beta है, gamma है, क्या है, right, nature of the contaminations है. and on metabolic and physiological factors, मतलब वो कैसे body के अंदर metabolize तो होएगा, right, और other physiological factors क्या है उसके ऊपर depend करेगा. There are wide variations in characteristics of human beings and in order to provide consistent basis for radiation dose calculations, the Internal Commission on Radiological Protection, ICRP, has defined a set of reference values of anatomical and physiological data reported in publications 89.